विश्वानि देवसवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रन्तन्नाशुव। ॐ शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत विवेक चूड़ामणि और श्लोक क्रमांक 145। यहाँ बंध निरूपण करते हैं कि जो जीव को एक उपमा दी है, जीव को इस संसार रूपी वृक्ष पर बैठा हुआ एक पक्षी का, जो उस संसार रूपी वृक्ष का उपभोग कर रहा है। इस संसार रूपी ये वृक्ष आया कहाँ से? जीव तो आया है, भगवान का अंश है, जीव आया, लेकिन वृक्ष कहाँ से आया? तो कहते हैं कि इसका बीज जो है कहाँ मिलता है, तो अविद्या रूपी बीज मार्केट में आता है। जो अविद्या रूपी बीज हम लगाते हैं, उसी अविद्या रूप बीज से ये संसार वृक्ष प्रकट हो जाता है। तो इसी का ही जो है उल्लेख इस श्लोक में करते हैं। बीजं संसुति भूमिजस्य सुतमो देहात्माधीन अंकुरो राघः पल्लवंबु कर्म तु वपु स्कंदो सव शाखिका अग्राणींद्रिय संहितश्च विषया पुष्पाणि दुःखं फलं नाना कर्म समुद्भवं बहुविधम् भोक्तात्र जीव खग। वो बहुविधम भोक्तात्र जीव खग, नाना कर्म के अनुसार जीव उपभोग करता है। उस इस काय का उपभोग करता है जो संसार वृक्ष का, उस खग का अर्थ होता है पक्षी, उस संसार वृक्ष पर वो बैठा हुआ है। और संसार वृक्ष जो है वो अविद्या निर्मित है। अविद्या कहाँ से आए? तो कहते हैं अविद्या ये अनादि है, वो मिटेगी नहीं। मिटेगी कैसी मिटेगी? जब हम सात्विक वृत्ति वाले बन जाएंगे, और सात्विक वृत्ति से भी परे बन जाएंगे, तब ये अविद्या का नाश हो जाएगा। नहीं तो संसार का वृक्ष कैसा है, बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, और ये पक्षी संसार कभी खत्म नहीं होता। वह वृक्ष इतना मजबूत बना हुआ है कि उसमें से पक्षी उपभोग करते करते तृप्त हो जाता है, और उस वहां से उड़कर दूसरे वृक्ष पर बैठ जाता है। मतलब कि इस शरीर को छोड़कर वो दूसरा शरीर प्राप्त करता है, लेकिन संसार वृक्ष जो है वही रहता। और उसको अगर हमको समाप्त करना है, उस अविद्या को समाप्त करना। अविद्या बहुत जटिल है, क्योंकि ये आजकल की तो है नहीं। जब हम इस संसार में आ रहे हैं, इस जन्म मरण में आ रहे हैं, तो समझो कि हमें कितना उस अविद्या ने घेर रखा है। और कहीं अगर गुरु की कृपा हो जाए और थोड़ा थोड़ा पुण्य संचित होकर हमें उस मार्ग में लगा दिया जाए, तो हम अवश्य ही उस अविद्या को काट भी सकते हैं, है ना? भगवान ने तो कहा ही है, ऐसा तो निश्चय तो नहीं कहा कि भाई ये बहुत कठिन ही है, उसको व्यक्ति प्राप्त ही नहीं कर सकता। हाँ, प्राप्त कर सकता है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा
संयम रख के, और अनेक जन्म संसिद्धि है ना, अनेक जन्म भी लग सकते हैं और एक जन्म में भी तुरंत हो सकता है। कब? जब हम उसमें तत्पर, अगर हमारी तत्परता है और हम गुरु के शरण में हैं, तब हमारे जीवन में हम तप को अपनाते हैं, हम नियमों को अपनाते हैं और महापुरुषों के सत्संग में रहते हैं, महापुरुषों की जो है आज्ञा का पालन करते हैं, तब हमारा जो है अज्ञान दूर हो सकता है, क्योंकि उन्हीं के मार्ग से हमारा जो है कल्याण है ना। कहते हैं कि स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्र मसोदाता पुनर्दता अग्नता जानता सम गमे मही। स्वस्ति जो कल्याणकारी मार्ग है वो हमारा मनु का मार्ग है, जो मनुस्मृति आदि ग्रंथ है, श्रुति स्मृति पुराना नाम आलयम करुणालयम, वो करुणा करने वाली है, वो जीव पे दया करने वाली है, श्रुति है, स्मृति है, पुराण है, ये जीव के उद्धार के लिए निकाले हुए है ना। करुणालय ये माता पिता से भी बढ़कर है, और इसको अगर पढ़ाते नहीं है माता पिता तो माता शत्रु पिता वैरी एन बालन पठ्यतः, शास्त्र का अध्ययन नहीं कराते हैं आपको, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं समझाते कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, जब आप आए संसार में तो आपकी अवस्था क्या थी, आप मलमूत्र से भरे हुए थे, आपने यहाँ आके चीखना शुरू कर दिया और आपने यही आके जानना शुरू कर दिया, आप पहले कुछ भी नहीं जानते थे और आपने जो जानना चाहिए था वो नहीं जाना और उस संसार को ही जान लिया। तो ऐसा घर में कोई ज्ञान बताने वाला उचित होता है कि भाई तुम अपना कल्याण करो। मदालसा अपने पुत्रों को समझाती है ये शरीर नाशवान है ना, ये मलमूत्र से भरा हुआ है, तुम क्या करो इस देह तादात्म्य को छोड़ दो, देह तादात्म्य में रहे हुए तो और तुमको दूसरी जगह जन्म के लिए आना पड़ेगा, मैं तो तुमको तुम्हारे ऊपर कृपा कर रही हूँ, तुम्हें वो उपदेश दे रही हूँ, लेकिन पता क्या पता 84 लाख योनियों में तुम जाके तुम्हारी कोई माता कुतिया बने, कोई कोई जीव कोई भी जो बने वो तुम्हें थोड़ी समझाएगी, और उस मानव शरीर में आने के बाद भी कोई माता कोचित होगी वो अपने बच्चों को वो एकदम तुरंत ऐसा समझाएगी कि ये शरीर जो है नाशवान है, ये शरीर में मत पड़ना, नहीं। तो ये मार्ग हमको कहाँ मिलेगा, ये महापुरुषों के पास ही मिलेगा। अविद्या को समाप्त करना है तो हमको उस गुरु के शरण में जाना पड़ेगा और अपने को भी संयमित रखना पड़ेगा। यहाँ कहते हैं देव द्विज गुरु प्राज्ञम पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचार्य महिषाम च शारीरम तप उच्यते। ये तप का है, शरीर का पहला, सबसे पहले हमको एक नियम है कि जो ब्राह्मणिष्ट है जिन्होंने अपने श्रुतियों का अनुभव किया है ना, वो गुरु जो है उसके शरण में रहे और पवित्रता से रहे, ब्रह्मचार्य अहिंसा च, अहिंसा कहीं भी किसी प्रकार के किसी को राग द्वेष से नहीं देखे, किसी को दुख न दे, यही शरीर का तप है, और इसी के माध्यम से अगर हम रहेंगे तो हमारा हमारी अविद्या जो है नष्ट हो जाएगी, नहीं तो हम इस संसार वृक्ष में बैठे हुए, अविद्या रूपी संसार वृक्ष में बैठे हुए हैं, और ये संसार क्या है, उस अविद्या का बीज है। और देह तादात्म्य ही उसके अंकुर है,
जो बीज होता है उसको अंकुर भी आता है, तो उसका अंकुर देहतादात्म्य है, हमने उसको अपना मान लिया है, उसके सिवा दूसरा कुछ है नहीं। और उसमें जो देहतादात्म्य के बाद जो है उसकी जो इच्छा है वही उस वृक्ष के कोपल पत्ते हैं। वृक्ष में बीज जो होता है उसमें अंकुर आता है, वो फैलता है, उसमें जो है पत्ते आते हैं, टहनी आती है, तो ये उस वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं, अविद्या रूपी वृक्ष का वर्णन करते हैं कि वो कोपल है और कर्म उसका जल है, कि हमको किस तरह कर्म करना है, कि उस वृक्ष को किस तरह मुड़ना है, उस वृक्ष को हमको भोगों को तरफ मुड़ना है कि उस वृक्ष को हमने त्याग की तरफ मुड़ना है। एक जो है उज्जैन में राजा थे, वो राजा बड़े धर्मनिष्ठ थे, तो उनके घर में बड़े बड़े महापुरुष आते थे, उज्जैन में रहते थे, तो उनका नाम था राजा शिखीध्वज, और उनकी पत्नी बड़ी ही सौम्य और धर्मनिष्ठ थी और सत्संग प्रेमी थी, और सत्संग सुनते सुनते बाल्यावस्था में ही थी, और सत्संग सुनते सुनते उसको इतना बोध हो गया कि उसने उसका ममत्व चला गया, उसकी अविद्या पूर्ण रूप से समाप्त हो गई, वो सब जगह ब्रह्म की अनुभूति करने लगी। अब राजा ने जब देखा कि ये तो क्या अवस्था में आ गई, इसका तो किसी शरीर पे ध्यान ही नहीं है, वो मुक्त अवस्था को प्राप्त हो रही है, राजा ने पूछा कि तुमको ये क्या हो गया, बोले कि अब मुझे कुछ किसी बात की इच्छा नहीं रही, मेरे अंदर कोई भी कामना नहीं रही, मेरे मेरे पास कोई भी किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रहा, मुझे सब अपने ही लगते हैं। राजा ने कहा कि ये सब जो है छोड़ो, इतना बड़ा जो राज्य है हमारा उसका बढ़िया उपभोग करो, अभी तुम ना समझ हो, बाल्यावस्था में हो। तो बोलती है नहीं, बाल्यावस्था में अब तुम हो, जो इस अविद्या को नष्ट नहीं करता वो बाल्यावस्था में ही है, वो चाहे बूढ़ा भी हो लेकिन उसको उस वो आत्मज्ञान की तरफ नहीं जा रहा है, उसने अपने इंद्रियों को संयमित नहीं रखा है, वो भोगों के प्रति आकर्षित है, वो कितना भी बड़ा हो उसको हम बाल्यावस्था वाला ही मानेंगे, क्योंकि वो नासमझ है, उसने अपने शरीर को व्यर्थ ही गमा दिया, ऐसा या कहते हैं। तो ये वो कहती है कि उसकी पत्नी रानी कि अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, उसका मैंने पूर्ण रूप से त्याग कर दिया, मेरे अंदर कोई कामना बची नहीं है। तो ये होता है कि राज्य होने के बाद भी उसके अंदर कोई कामना नहीं बची, उस अविद्या को समाप्त किया, क्योंकि उसने वो श्रुतियों का श्रवण किया, उसका मनन किया। वो कहते हैं कि उस श्रवण नहीं नहीं बल्कि उसका मनन किया कि ये कहते क्या है, शास्त्रों को सुनने में अच्छा लगता है लेकिन शास्त्रों को मनन करना ही मुख्य कार्य है, अगर हम शास्त्रों का सुनने के बाद उसका मनन नहीं करते, उसके ऊपर अमल नहीं करते कि भाई सही में ये शरीर को छोड़ने के बाद दूसरा शरीर तो मिलेगा लेकिन दूसरा शरीर पुनः उस शरीर में हमारी वृत्ति ऐसी सात्विक होगी, जो अभी हमारे अंदर सात्विक भाव है, हमें संतों के प्रति आदर है, हमें शास्त्रों के प्रति प्रेम है, हमारी श्रद्धा है, वो अगर हम इस अविद्या से पूर्ण रूप से निकले नहीं तो हो सकता है कि हमें अनंत जन्म के हमारे संस्कार है, अभी हमारे ऊपर गुरु की कृपा हो गई तो हम तो अभी इसमें लगे हुए हैं, अगर हम दृढ़ता से नहीं लगेंगे तो हो सकता है कि वो कई जन्मों के संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं अगले जन्म में, तो वो जब वो
संस्कार हमको किस तरफ लेके जाएंगे पता भी नहीं है। और इसमें निरंतर अगर हम लगते हैं, है ना, तो भगवान कहते हैं ना, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कले वरम। वो अंतकाल में हमको अगर बोध रहेगा तो हम मुक्त हो जाएंगे, और अंतकाल में अगर हमको संसार याद रहेगा, हमको परिवार याद आएगा, अगर किसी को मरते समय अपनी स्त्री याद आते तो वो स्त्री को प्राप्त हो जाता है, स्त्री योनि में चला जाता है। स्त्री अगर अंतकाल में पुरुष का ध्यान कर रही होती तो वो पुरुष को प्राप्त हो जाती, पुरुष बन जाती। ये भी नहीं है कि स्त्री कभी पुरुष हुई, वो पुरुष भी हुई, पुरुष कभी स्त्री भी हुआ। तो शरीर का तो जो है बदलाव होता रहता है, आत्मा तो वैसे ही है। तो उसको अगर हम जानते हैं तो कोई बदलाव नहीं है उसमें, हमें कोई दुख नहीं है। तो उस अविद्या को जानकर हमने वो कर्म करना है, हमको सत्य को स्वीकार करना है। जब तक हम सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं, चाहे हमारे ऊपर कितने भी आघात आ जाए। हरिश्चंद्र राजा को कितना सहन करना पड़ा, इतना बड़ा राजा, उस राजा को डोम के यहाँ सेवा करनी पड़ी, मुर्दों को जलाना पड़ा, जिसके इशारे पे सब राज्य जो है तैयार होता था, और उसकी जो धर्म पत्नी वो दासी बन गई, उसका पुत्र मरा तो उसके पास जो है कफन के लिए पैसा नहीं था। इतने दयनीय अवस्था होने के बाद भी उसने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपने कर्म को नहीं छोड़ा। पुत्र मरने के बाद जब उसकी पत्नी रोती रोती उसके पास आई, देखा कि इसी का पुत्र है, और उसने भी देखा ये मेरा ही पुत्र है, मर गया, तो फिर भी वो उसको ये कहता है कि भाई तुम कफन के लिए पैसा दो, तभी मैं इसको जो ये दाह संस्कार इसका करूंगा, इसके लकड़ी का पैसा तुम दो, क्योंकि मैं किसी का नौकर हूं, मैं किसी से बेईमानी नहीं कर सकता। बताओ, ये भाव है कि अपना सगा होने के बाद भी, यहाँ तो जैसे वसीला होता है ना, वसीला होने से भाई हाँ आने दो, ये अपने परा है तो लाइन में लगने दो, तो ऐसा चलता है संसार में। लेकिन वहां कितनी गंभीर स्थिति है कि साधारण व्यक्ति नहीं है, वो चाहता तो मुखर जाता, लेकिन ऋषियों को वचन दिया है, और उस डोम के यहाँ जो काम कर रहा है उससे भी जो अपना समर्पण भाव, उससे भी इतनी ईमानदारी कि उसको उसको कर देना है, और वो कर वो, चाहे वो अपना हो या पराया हो, उससे वसूल करना है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो ऐसा जीवन कठोर, सत्य तो कठोर है, सत्य को जीना साधारण बात नहीं है, सत्य को स्वीकार करना भी साधारण बात नहीं। सत्य अगर हम सत्य अपनाते हैं तो अनगणित शत्रु हमारे साथ खड़े रहते हैं, अनगणित शत्रु हमारे विरुद्ध हो चलते हैं, लेकिन ये इतने कितने भी शत्रु हो, लेकिन सत्य के साथ परमात्मा जुड़ा है, क्योंकि सत्य ही परमात्मा है, और वो परमात्मा सत्य के साथ होने से चाहे फिर शत्रु कितने भी बने उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अर्जुन के साथ परमात्मा है, उस परमात्मा के साथ होने से शत्रु कितने भयंकर भयंकर थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, इनको हराना कितना मुश्किल था। ये इतने पराक्रमी थे कि अर्जुन तो उसके सामने जैसे हाथी के सामने मच्छर, वैसे उसी के अनुसार था। लेकिन अर्जुन एक सत्य की तरफ था, धर्म की तरफ था, और दुर्योधन अधर्म की तरफ था, ये सब अधर्म की तरफ थे। तो अधर्म की तरफ कितने भी बलवान शत्रु हो, लेकिन अधर्म हार जाता है, अधर्म का नाश हो ही जाता है जब सत्य को हमने दृढ़ता से पकड़ रखा हो। नहीं तो भगवान को दुर्योधन भगवान के पास दुर्योधन भी गया और अर्जुन भी गया,
अर्जुन ने भगवान को मांग लिया, सत्यता को, सत्य को प्राप्त किया, और उसने उनकी सेना मांगी। तो देखो, लेकिन विजय किसकी हुई? सत्य की हुई। इसलिए दृढ़ जो हमारा सत्य है और वो प्रिय भी है। हम सत्य बोले लेकिन कठोर भी नहीं बोले। हम किसी के लिए सत्य बोलते हैं, अपनों को छोड़, अपना छोड़ देते हैं, अपने अपनी जो कृति होती है उसको हम देखते नहीं है, और दूसरे को देखते हैं, दूसरे की गलतियां देखते हैं, और दूसरे की गलतियां देखकर भी बोलेंगे कि भाई ये ऐसा है वैसा है। हम सत्य तो बोलते हैं लेकिन कठोर, किसी की निंदा, हमारे सत्यता में किसी की निंदा ना है। इसलिए कहते अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्याय व्यसनम च वाङ्मयम् तपोवुच्यते। ये जीवन का तप है जो सत्यता को स्वीकार करना है, और स्वाध्याय और ये जो शास्त्र है वो शास्त्र ही जीवन के कर्म को बदल देता है। नहीं तो ये शास्त्र विहित कर्म अगर करेंगे तो संसार वृक्ष बढ़ेगा, लेकिन संसार वृक्ष बढ़ता रहेगा, है ना? कितना बड़ा संसार वृक्ष। आज ये स्थिति हो गई कि सरकार को कहना पड़ रहा है कि बच्चों की आबादी कम करो। इतना बड़ा हुआ है कि अभी सरकार के व्यवस्था में नहीं है किस किस को घर बांध के दिया जाए, और कितने कितने जंगल के पेड़ काट के वहां जो है गांव बसाया जाए। इसलिए ये संसार का वृक्ष तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और मुक्त अवस्था को प्राप्त होंगे तो वो मिलजुल के रहेंगे, संगठित रहेंगे। नहीं तो एक परिवार में चार लोग हैं, उनको चार घर चाहिए, क्योंकि वो एकत्र रहना नहीं चाहते, क्योंकि उस बात का ज्ञान नहीं। तो चार घर हो गए तो चार घर के लिए जगह भी चार जगह चाहिए, है ना? अब यहाँ कहने का तात्पर्य क्या, भी संसार वृक्ष को तुम इच्छाओं से बढ़ा रहे हो। एकत्र अगर तुम धर्म से रहते हैं, वो संसार वृक्ष को कैसा जल देना है ये तुम्हारी तरफ, उसको ऐसा जल दो कि वो ऐसा इतना बड़े नहीं और सूखे भी नहीं। वो यही एक है कि जो कर्म उसका जल है, जैसा जल दोगे, जितना दोगे वैसे वो फल प्राप्ति देगा। संसार में अगर हम आए हैं तो हमारी एक ही लक्ष्य बनता है कि हमारे अंतकरण की शुद्धि। अगर अंतकरण की शुद्धि नहीं बनती इस संसार, इस मानव शरीर में, तो हम वो पक्षी के समान है जो यहाँ डाली पे है, कल उस डाली पे रहेगा, कभी किस जन्म में कभी किस जन्म में। इसलिए उस अविद्या को नष्ट करने के लिए ही वेदांत है। क्या इतना कर्मकांड का भाग पड़ा है, लेकिन उसमें से 4,000 श्लोक जो है उस कर्मकांड के लिए, वो ये वेदांत के हैं। तो यहाँ कहते हैं कि बीजम संस्थिति भूमि यश्च तु तमो देहात्म देह अंकुरो। जो तम है, जो अज्ञान है देहात्म में, वही संसार का बीज है, तादात्म्य। और राग पल्लव वम कर्म तु वपु। जो कर्म है जल रूपी, जो वप का अर्थ कुए का जल निकालना, जो दे रहे हैं उस पेड़ को दे रहे हैं, और उसकी पल्लव मतलब शाखा उसको बढ़ा रहे हैं। स्कंदो सव शाखिका, उस अनेक अनेक प्रकार की जो शाखाएं हैं वो इधर उधर फैली हुई है। अग्रणी इंद्रिय संहितष्ट विषया, कहते हैं कि जो विषय है उसके कुछ उसकी शाखाएं और उसकी टहनिया, ये और जो उसके पुष्प है उस पेड़ के,
भोग है, उसमें उस शरीर उस तादात में शरीर में पांच प्राण है, प्राण अपान उदान व्यान समान, ये पांच प्राण है और 10 इंद्रिया है, एक मन है, बुद्धि है, तो ये उससे भरा हुआ है ना, कि कर्म पांच कर्म इंद्रिया है और पांच ज्ञान इंद्रिया है और पांच प्राण है, एक मन और बुद्धि है, तो ऐसे तत्व से भरा हुआ ये शरीर है उसके, और उस संसार का उपभोग कर रहे हैं, उस पुष्प का जो है उपभोग कर रहा है शरीर, और नाना विध कर्म जो दुख है वही उसका फल है। जो शास्त्र विरुद्ध कर्म कर रहे हैं वही उसका फल बताया है। फल क्या है? दुख। संसार में जैसे कर्म करोगे वैसे ही दुख पाओगे, और जीव क्यों दुखी हो रहा है? क्योंकि उसने अपने वेष्टि को पकड़ के रखा है। हमारा लक्ष्य क्या है? कि वो समष्टि को पकड़ना। पुष्पाणि फलम दुःखम, है ना, फले नाना कर्म समुद्भव, कर्म से जो उत्पन्न हुआ ये जीव, और भोक्ता भोगने वाला नाना प्रकार के दुख को भोगने वाला है। और वेष्टि को प्राप्त हुआ है वही पक्षी है जो सबका उपभोग करके जीव जो है उस फूल पे बैठ रहा है, उसका मकरंद सेवन कर रहा है, और संसार वृक्ष से निकल कर और दूसरे तरफ जो है और बैठ जाता है, उसका उपभोग हो गया, अब वो और दूसरी तरफ चला गया, तो ये उसकी जो है क्रिया है, वो एक स्थान पे रहता नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जनरेशे जटरेशे, ऐसा वृक्ष बदलता रहता है और अलग अलग जन्म को प्राप्त होता रहता है, और उससे अगर हमको ये सब छूटना है, उस दुख से छूटना है, त्रिविध ताप से छूटना है, तत्व रज तम तीनों गुणों से रहित होना है, तो हमारे अंदर वो भक्ति आनी चाहिए, वो तप आना चाहिए, वो भाव आना चाहिए, जिससे मन की शुद्धि हो। यदि मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मा विनिग्रह भाव संशुद्धि इत्येतत् तपो मानस मुच्यते, यह तप कहा है जिसमें हमें संयमित बोलना है और सौम्य बोलना है, एकदम मधुर वाणी में, और किसी का मन न दुखे और किसी को न लगे कि ये मेरा द्वेष कर रहा है, ऐसा ऐसी अवस्था को प्राप्त करना है, और भाव ऐसा रखना है परमात्मा के प्रति कि मैं आपका ही हूँ और आपके शरण में हूँ, आपने हमारा कल्याण करना है, हम आपके शरण में है, आपने कहा था कि हम सब कुछ छोड़ने के बाद जो मेरे शरण में आता है मैं उसको मोक्ष प्राप्त करता हूँ कराता हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षेश्यामिमांसच। भगवान क्या कहते हैं कि सब धर्म को छोड़ो, धर्म का मतलब जो कर्म जो है तुम्हारे, यहाँ का जो हमारे कर्म है उस कर्म को छोड़ के, हमारे कर्म हमारे जो संबंध बने हुए हैं लोगों से, उस संबंध में जो देहात तादत में है आसक्ति है राग द्वेष है, उस सब का त्याग करना है, उस उसका त्याग करने के बाद ही हम उस भाव को प्राप्त हो जाएंगे जो भाव हमें विश्वव्यापक बनाता है। तो ये इस श्लोक का अर्थ तो यही है कि जो वृक्ष बैठा हुआ है उसने वृक्ष पर जो पक्षी बैठा हुआ है
उस वो वृक्ष अनादि है, अविद्या से घिरा हुआ है। अगर हम उस ऐसे ही हम वृक्ष पे आए और जाए और विचार नहीं करें कि हमें कब तक इस वृक्ष पे आकर बैठना है और इसका उपभोग करना है और उड़ जाना है, तो अगर हम स्थायी रहना चाहते हैं तो हमें विवेक को प्राप्त करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो समय हो गया है, शेष अगले सत्र में देखते हैं। हरि ओम।